हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है एक नए वीडियो में। आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो। दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हैं वाराणसी में आगमन हेतु आपका धन्यवाद। तो इस हम लोग अभी हैं बनारस में, तो बनारस का लोकेशन है, ये चौराहे का नाम है बाबापुर चौराहा। यहाँ से अभी एयरपोर्ट जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रोड आपको सीधे बनारस से आएगा, इसकी दूरी कम से कम 18 किलोमीटर भी यहाँ पर है। अब यहाँ सब सीधे चले जाएंगे तो बाबापुर एयरपोर्ट चले जाएंगे। एयरपोर्ट की दूरी 1 किलोमीटर है, एयरपोर्ट थोड़ा सा अंदर है तो फिर 1.5 किलोमीटर आपको और पहले चलने पड़ेंगे एयरपोर्ट कैंपस में एयरपोर्ट जाने के लिए। इस चौराहे में बहुत सारे आपको यहाँ दुकान मिल जाएंगे, आपको फल फूल से लेकर खाने पीने सब चीज़ें मिल जाएंगी। जाना है दोस्तों, कल के वीडियो में आपने आधे पुल के चित्र देखे थे, आज हम आपको पूरा चित्र दिखाने जाने पे काफ़ी बड़ा है, काशी घाट के कितने अच्छे चित्र बने हुए हैं, देखने में बहुत सुंदर नज़ारा है। ये दोस्तों यहाँ बटुक नृत्य लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में लोग ढोलक बजा रहे हैं, नाच नगाड़ा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। दोस्तों हमारे हनुमान जी हैं, संकट मोचन मंदिर का दर्शन किया गया। अब संकट मोचन का मंदिर जाइएगा तो सेम इसी डिजाइन का गेट बना हुआ है, मेन गेट संकट मोचन का सीधे बिल्कुल है। यहाँ बजरंगबली बैठे हुए हैं फोटो में, ये संकट मोचन मंदिर का दृश्य दिखाया गया है यहाँ पर। जा रहे हैं दमाड़ में, आपको पता ही हुआ कि इनको वनवास हुआ था 14 साल के लिए, तो ये अपने घर परिवार से दूर जंगल में जा रहे हैं। केवट जी नाव चला रहे हैं, यहाँ बटुक छात्र का पुस्तक दिया गया है, बटुक छात्र सब है। दोस्तों पहले गुरुकुल होता था, स्कूल कॉलेज नहीं उस टाइम पर नहीं होते, गुरुकुल होते पढ़ाई करते थे, एक गुरु के अंदर सब शिष्य लोग पढ़ाई करते थे। ये छत्रपति शिवाजी हैं, इसके बारे में हम लोग किताबों में पढ़े होंगे, वीडियो भी देखे होंगे। दोस्तों यहाँ सिद्धार्थ और देवदत्त अब बस अपने बात कर रहे हैं, यहाँ पर हर चित्र की एक अपनी ही स्टोरी है, अपनी उपन्यास सबके बारे में मिलेगा आपको। जितने पोस्टर दोस्तों यहाँ दिया सबकी अपनी खुद की एक हिस्ट्री है, आप एक चीज़ पर गूगल पर सर्च करिएगा, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, सबके बारे में आपको डिटेल में अच्छे से मिलेंगे। यहाँ पूजा अर्चना हो रहा है मंदिर में, यहाँ दो बैल की कथा के बारे में पोस्टर दिया गया है, किताबों में अब पढ़े होते होंगे, हीरा मोती किताबों में थे, दो बैल थे एक किसान के पास। हीरा मोती कहानी बहुत अच्छी थी उस टाइम हम लोग पढ़ते थे स्कूलों में। दोस्तों ये जीजा भैया शिवाजी हैं, शिवाजी को पढ़ाना सिखा रही हैं। दोस्तों ये नंदी जी का पूजा हो रहा है, नंदी महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ श्री गणेश स्वांत का फोटो बना हुआ है पोस्टर, शिव और भगवान गणेश जी आपस में बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ राम और सबरी स्वांत है, प्रभु राम जी और सबरी जी और लक्ष्मण जी हैं फोटो में। आपने अगर रामायण पढ़ा होगा तो उसमें सबरी जी ने राम जी को बेल खिला रही हैं। ये शिवालय पूरे प्रभु भोलेनाथ जी का पूरा बना हुआ है।
श्री शंकराचार्य जी का पोस्टर बना है यहाँ पर। इस सर दोस्तों, ये पुल आपको ओवरब्रिज कम से आधा किलोमीटर की दूरी बना हुआ है, उसके पीछे भी आपको पूरे स्तर पोस्टर मिलेंगे किसी न किसी चीज़ के बारे में, उसका हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ के शमान अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं, यहाँ महाभारत का नज़ारा सीन दिखाया गया है। जो लोग महाभारत देखे होंगे उनके पता है कौन कौन है। तो ये अर्जुन के पुत्र हैं, आपको नाम पता ही होगा इनका। दोस्तों यहाँ एकलव्य है, महाभारत देश के बारे में पूरा दिखाया गया अच्छे से। दोस्तों इस रोड से अगर कोई भी गुजरता है तो एक बार सबकी नज़र इस पर जरूर जाता है कि यहाँ पर क्या बना है, तो लोगों को देख के यादें आ जाती हैं कि हमारा भारत महान था, हमारे भारत में कौन कौन लोग थे, कितने क्रांतिवीर थे, कितनी बड़ी कथाएँ थी। सब सीधा ये रोड चल जाती है सीधे लखनऊ। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको स्कूल के उस पर वीडियो चित्र दिखाएंगे, क्या क्या चित्र बने हुए हैं, क्या क्या बताया गया पोस्टर के माध्यम से। तो दोस्तों अभी फिलहाल के सभी को नमस्कार, फिर से एक बार सुबह का आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा।